नमस्कार दोस्तों, संस्कार क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो तैयार हो जाएं आज के आपके 25 बड़े ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर हूबहू देखने को मिलने वाले हैं। बिल्कुल प्यारे बच्चों, और ये जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आपके पहले आए हुए सारे के सारे क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन मिस मत कर देना। अब ज्यादा टाइम ना लेते हुए सीधे सीधे क्वेश्चनों की तरफ चलेंगे। और हाँ, उससे पहले आपके लिए एक महा ऑफर। ऑफर क्या है आपके लिए? एक रामबाण साबित होने वाले लिए आप लोगों के लिए 5000 क्वेश्चन क्या कर दिए भाई, तैयार कर दिए। देखिए, जिसमें 3000 क्वेश्चन राजस्थान जीके के, हिंदी के 1000 और 1000 शिक्षण अभिरुचि के, मात्र 50 रुपए में परीक्षा से पहले अगर देख लिया ना तो बेड़ा क्या होगी, पार होगी। लेने के लिए इस नंबर पर फोन पे गूगल पे कर हमें भेज दो जो, ठीक है। उसके बाद हम संग संग आपको ये प्रोवाइड करा देंगे और जो आप लोगों के लिए रामबाण साबित होगी। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। वंश भास्कर के रचेता हैं, लाडलो जल्दी जल्दी बताओ, वंश भास्कर के रचेता सूर्यमल मिश्रण। बिल्कुल सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सूर्यमल मिश्रण वंश भास्कर के रचेता हैं। निम्नलिखित में से लोहयुगीन सभ्यता है, इसके बारे में बताओ भाई। लोहयुगीन जो सभ्यता है ना, याद कर लेना, नोह भरतपुर, धौलपुरिया उदयपुर, सुनारी झुंझुनू। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अरे लाडले बच्चों, सही है, सही कथन कौन सा होगा इसमें से? याद कर लेना, आपका आहड़ वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अस्क तांबे को गलाना तथा ताम्र वस्तुएं बनाना था। याद कर लेना आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी है जो, ठीक है। बडालिया से तात्पर्य है, लाडलो बडालिया से जो तात्पर्य है ना उसके बारे में बताना, बडालिया से क्या तात्पर्य होने वाला है जो, ठीक है। याद कर लेना बडालिया से तात्पर्य क्या है, वैवाहिक संबंधों में मध्यस्थता करने वाला। याद कर लेना है ऑप्शन नंबर बी, वैवाहिक संबंधों में मध्यस्थता करने वाला। देखिए, सांझी के लिए प्रसिद्ध मच्छंदर नाथ जी का मंदिर, जहां सांझी का त्योहार मनाया जाता है ना, सांझी का क्या मनाया जाता है, त्योहार, उदयपुर। बिल्कुल सही होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उदयपुर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिएगा। अरे लाडले बच्चों, ऐसे क्वेश्चन फिर मिलेंगे आपको, अरे एग्जाम में आएंगे सीधे के सीधे, तो मिस मत कर देना। गलत कथन का चयन करो, क्या हो जाएगा इनमें से गलत कथन है जो, ठीक है। गुप्त वंश से सिक्कों का विशाल ढेर भीनमाल से प्राप्त हुआ है जो, ठीक है। याद कर लेना आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी है जो, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अरे लाडले बच्चों, गलत कथन के बारे में बताओ भाई, गलत कथन कौन सा हो जाएगा, वर्ड राइडर रॉक पेंटिंग ओजियाना, कौन सा होगा, वर्ड राइडर रॉक पेंटिंग ओजियाना आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से किस स्थान को कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है? कालीबंगा प्रथम के नाम से जो जाना जाता है ना, सौंथी इज द राइट आंसर होगा आपका, जो सौंथी है जो, ठीक है ना। कौन सा हो जाएगा, सौंथी आप लोग का बिल्कुल सही आंसर होगा आपका, सौंथी है जो, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सौंथी इज द राइट आंसर, ठीक है। घबराओ मत जी, अभी तो चलने का इरादा किया है, अभी तो पूरी मंजिल बाकी है और अभी 20 दिन बाकी है। देखिए, किसके अनुसार लोकगीति जनता की भाषा है? लोकगीति हमारी संस्कृति के पहरेदार हैं भाई, जल्दी बताओ भाई, आंसर बता दो इसके बारे में। बिल्कुल सही आंसर होगा आपका महात्मा गांधी, राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी, ठीक है। निम्नलिखित में से देखिए असंगत है, इनमें से असंगत के बारे में बताना है, कौन सा होने वाला है आपका असंगत है जो, एडवेंचर महोत्सव जयपुर। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, जो असत्य है, लेकिन इसके बारे में जो सत्य है ना, एडवेंचर महोत्सव कहाँ से संबंधित होगा उसके बारे में आप कमेंट करो। और हाँ, सबसे बड़ी बात, अगर इस तक आप लोगों ने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो लाड लो। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप का, टेलीग्राम का और इंस्टाग्राम का, जुड़ जाओ, अभी आपके पास मौका है। देखिए, राजपूत कालीन एक प्राचीन परंपरा का, एक प्राचीन परंपरा देखिए, पाती पेरवन को किस शासक ने निभाया था, ठीक है। नंबर 11 का देख लो, राणा सांगा इज द राइट आंसर आपका, राणा सांगा जो, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, राणा सांगा। अगला क्वेश्चन देखो,
राजपूताना में आवल बावल की ऐतिहासिक संधि दो राज्यों की मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करने के लिए जानी जाती है। आवल बावल की संधि भूल गए क्या? मेवाड़ और मारवाड़, आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर होगा आपका। कौन सा? मेवाड़ और मारवाड़ इज द राइट आंसर होगा आपका। मेवाड़ और मारवाड़ बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। अगला देखो, मेहनोत नैन्सी ने गुर्जर प्रत्यारों की कितनी शाखाओं का वर्णन किया गया है? मेहनोत नैन्सी के जरिए जो, ठीक है, कितनी शाखाओं का वर्णन किया है? 26 शाखाओं का, ठीक है। 26 शाखा इज द राइट आंसर होगा आपका, ठीक है। अगला देखो, प्रत्यारों में रोहिली, देखिए रोहिली दी के नाम से जाना जाता है। प्रत्यारों में जो रोहिल दी के नाम से जाना जाता है ना, नंबर 14 का आंसर देख लो। ऑप्शन नंबर सी हरीश चंद्र इज द राइट आंसर होगा आपका। ऑप्शन नंबर सी हरीश चंद्र जो, ठीक है। अगला देखो, निम्नलिखित में से अभिलेख में प्रत्यारों को गुर्जर कहा गया है। अरे प्रत्यारों को जो गुर्जर कहा गया है ना, इसके बारे में देख लो भाई, ठीक है। बिल्कुल कौन कौन आंसर बताएगा अभी अभी आपको पता पड़ जाएगा जो, ठीक है। अरे एक तो कराड़ होगा, नीलगुंड होगा, यह हो जाएगा आपका, देखिए राधनपुर होगा और आपका देवली होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा आपका। ऑप्शन नंबर डी है जो, ठीक है। अगला देखो, राणा कुंभा ने अपनी पुत्री रमाबाई के विवाह स्थल के लिए किस दुर्ग में श्रृंगार चबरी का निर्माण करवाया था? श्रृंगार जो चबरी का निर्माण कराया था ना, इसके बारे में देख लेना है, याद कर लो। क्या हो जाएगा आपका? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, बिल्कुल सही होगा एकदम। छपने और ये छपेंगे भाई, सीधे सीधे छपेंगे, फिर कहना हमसे कि मजा आया क्या नहीं आया, है ना। चलो भाई अगला देखो, किसे सिवी प्रगवाट व मेदपाट के नाम से जाना जाता है? सिवी प्रगवाट एवं मेदपाट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी मेवाड़ इज द राइट आंसर होगा आपका। मेवाड़ है, ठीक है। मेवाड़ आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर होगा आपका। ऑप्शन नंबर बी मेवाड़ है जो, ठीक है। चलो, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां का आक्रमण मेवाड़ पर किसके शासनकाल में हुआ था? अरे मेवाड़ पर हुआ था ना, वो किसके शासनकाल में हुआ था, इसके बारे में बताओ भाई। अरे मेवाड़ पर किसके शासनकाल में हुआ था? 18 का आंसर देख लो भाई, जल्दी जल्दी देख लो। जैत्र सिंह आप लोगों को लिख लेना, ऑप्शन नंबर डी कौन सा हो जाएगा? जैत्र सिंह है जो, ठीक है। अगला देखो, देखिए ओसिया के कलात्मक मंदिरों का निर्माण कराया था। ओसिया के कलात्मक मंदिरों का जो निर्माण कराया था ना, किसने कराया था, याद कर लेना है। गुर्जर प्रतियारों ने, किसने कराया था? गुर्जर प्रतियार, बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। और हाँ, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने अभी तक आपको बोला भी नहीं है ना कि लाइक कर दो, शेयर कर दो, क्योंकि आप लोग मानते नहीं है ना, इसलिए अब मैं आपको बोल रहा हूँ एक बार। देखिए सबको आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हो, तो अगर एक बार जुड़े हो ना चैनल पर, तो दिल से सपोर्ट कर कर आप इस गरीब मित्र का भी यानी कि योगदान देंगे ना, तो ये गरीब मित्र आप लोगों के लिए बेस्ट करेगा हमेशा जो, ठीक है। तो लाइक करो, सब्सक्राइब तो सभी को करना जो भी जुड़े हुए हैं, और डेली आप लोगों के लिए लगातार ये क्लास 7 बजे आपको दी जाती है। तो बिल्कुल सुबह 7 बजे और शाम को 7 PM पर आपके 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। लाइक और सब्सक्राइब कर दो जल्दी। चलिए, चित्तौड़गढ़ में स्थित जैन कीर्ति स्तंभ किस जैन तीर्थकर को समर्पित है? याद कर लेना भाई, इसका आदिनाथ इज द राइट आंसर होगा आपका। आदिनाथ है जो, ठीक है। अगला देखो, किस इतिहासकार ने विजय स्तंभ को ट्रोजन टावर की संज्ञा दी है? ट्रोजन टावर की जो संज्ञा दी है ना, इसके बारे में देख लो भाई, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? फर्ग्यूसन इज द राइट आंसर होगा आपका। फर्ग्यूसन कौन सा होगा? फर्ग्यूसन है जो, ठीक है। अगला देखो, किसके शासन काल में कन्नौज को लेकर देखिए त्रिपक्षीय संघर्ष राष्ट्रकूट पाल व प्रतियार प्रारंभ हुआ? 22 का आंसर देखो, वत्स्य राज द राइट आंसर होगा आपका। वत्स्य राज है जो, बिल्कुल सही आंसर होगा आपका। वत्स्य राज, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, वत्स्य राज है जो, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये देखो भाई, किस प्रतियार शासक के शासन काल में देखिये दोतमकेसुरी ने, याद कर लेना आपका, कुवल्यमाला ग्रंथ की रचना की है भाई, जल्दी जल्दी बताओ भाई, इसके बारे में कौन कौन बताएगा? 23 का आंसर देख लो, ऑप्शन नंबर ए वत्स्य राज इज द राइट आंसर होगा आपका। वत्स्य राज जो, ठीक है, बिल्कुल सही कर लेना है, वत्स्य राज जो, ठीक है। चलो, चीनी यात्री हैंग सोंग ने गुर्जरों की राजधानी का नाम बताया था भाई?
गुर्जरों की राजधानी का जो नाम बताया था ना, 24 का आंसर देख लो, याद कर लेना है। देखे पीलो मोलो इज द करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, पीलो मोलो आपका बेस्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये आप लोगों का क्वेश्चन है और कमेंट सेशन में जरूर बताना है। देखिए मेवाड़ के किस राजा के शासनकाल में जावर में चांदी की खान निकाली गई थी, अरे राणा लाखा के काल में, महाराणा मोकल, महाराणा कुंभा, महाराणा अमीर, इसका आंसर आप कमेंट सेशन में जरूर बताना। और हाँ, अगर आपको 5000, मैंने आपको अभी अभी बता दिया था, 5000 अगर एमसीक्यू चाहिए, जिसमें 3000 राजस्थान जीके के, 1000 शिक्षण अभिरुचि और बाकी हिंदी के क्वेश्चन है जो, ठीक है, चाहिए ना, तो मात्र कितने रुपए में, 50 रुपये में अगर आपको चाहिए, तो ये हमारा नंबर है 9680-81-97-98, इस नंबर पर आप फोन पे गूगल पे कर सकते हैं, आपके लिए बहुत ही लाजवाब रहने ला रही है। अगर वो आप लोगों ने देख लेना पीडीएफ तो बेड़ा पार है, ठीक है। इसका आंसर कमेंट सेशन में बताना और लाइव सेशन में जरूर जुड़ा करो, और शाम को 7 PM पर मेरी बात ध्यान से सुन लो, PM पर आपके लिए 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।